ठीक है बच्चों, तो अब हमारी बात चलती है कि हमें ये बताना होता है कि जब एम आर और एम सी बराबर ना हो तो किस तरीके से हम संतुलन की बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी होती है कि तुम जब दोनों बराबर ना हो, ठीक है, तो कैसे संतुलन में लाओ। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ आ रही है कि हम एक्चुअल में उत्पादन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उत्पादक की बात कर रहे हैं, है ना। तो जरा पेज नंबर है आपका 284, बुक में है 284, उसमें आपको कंडीशन समझाने की कोशिश करी गई है। हिंदी मीडियम की बुक है, पेज नंबर है 284। जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 में लास्ट में ब्रैकेट दे रखा है, चैप्टर के लास्ट में, जिसे कहते हैं आपका फोकस जोन। ठीक है, उस पर ज़रा ध्यान दें। तो पहली नाम है फोकस जोन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात आती है कंडीशन नंबर 1, यदि किसी स्थिति में एम आर तथा एम सी बराबर नहीं होते तो इसका अर्थ है कि फर्म के पास कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के बीच अंतर में वृद्धि करने का अवसर है। यानी कि एम आर और एम सी में क्या होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्धारित अर्थ है कि लाभ में वृद्धि करने का अवसर है। यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है कि लाभ में वृद्धि की जा सकती है। तो इसे आप इस तरीके से समझे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पहली स्थिति कि एम आर बड़ा है एम सी से, क्या बोला मैंने, एम आर बड़ा है एम सी से, तो इस स्थिति का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, एम आर एम सी की स्थिति। तो इस स्थिति में आपको लिखना होता है कि उत्पादक की अतिरिक्त इकाई के कारण उत्पादन उत्पादन की अतिरिक्त लागत की तुलना में, ठीक है, अतिरिक्त आय अधिक होती है, उत्पादन को बढ़ाने पर लाभ में वृद्धि होगी। क्लियर, यानी अगर उत्पादन को बढ़ाएगा तो संतुलन भी आएगा और लाभ भी अधिक होगा। ठीक है, तो इसको भैया बिल्कुल दिमाग में छाप लो, तीन पॉइंट छाप लो। पहला, उत्पादन की अतिरिक्त, ठीक है, उत्पादन की अतिरिक्त इकाई के कारण उत्पादन की अतिरिक्त लागत की तुलना में लागत की तुलना में अतिरिक्त आय अधिक होगी, अतिरिक्त आय अधिक होगी। ठीक है, अब बात आती है संतुलन कैसे आएगा। संतुलन आएगा जब वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ा देगा। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने पर ठीक है, उत्पादन बढ़ाने पर लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है, इसका अर्थ हो गया एम आर बराबर एम सी। आगे संतुलन पर, ठीक है, यानी कि पहली स्थिति में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अगर दूसरी स्थिति हो, अगर मैं कहता हूं एम आर लेस देन एम सी, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में उत्पादन को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम उत्पादन की अतिरिक्त इकाई के कारण उत्पादन की अतिरिक्त इकाई के कारण अतिरिक्त आय की तुलना में अतिरिक्त आय की तुलना में अतिरिक्त लागत अधिक होती है, अतिरिक्त लागत कम होती है, अधिक होती है। अतिरिक्त लागत अधिक होती है, उत्पादन में कटौती के द्वारा उत्पादन में कटौती के द्वारा उत्पादन में कटौती के द्वारा लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। यानी कि कह सकते हैं आगे एम आर बराबर
यानी एक सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि अगर MR बराबर MC ना हो तो दो स्थितियां होती है, या तो उत्पादन को बढ़ा दो या उत्पादन को कम कर दो। तो जब तुम्हें लगे कि भैया उत्पादन में जब हमारा MR वो ज्यादा है, क्या बोला मैंने कि तुम्हारा MR ज्यादा है, जब MR ज्यादा हो तो उस स्थिति में आपको उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है बेटा, उत्पादन को बढ़ाना है। जब आप उत्पादन को बढ़ाओगे तो अपने आप MR बराबर MC आ जाएगा। क्लियर है बात? अब दूसरी बात आती है कि जब MR ज्यादा होगा कम होगा MC से तब क्या होगा, तो बेटा इसमें ये पता लगता है कि खर्चा ज्यादा है, ठीक है, और आय कम है, तो इसका अर्थात होता है खर्चे को कम करने के लिए उत्पादन को कम कर दो। जब तुम उत्पादन को कम कर दोगे तो ये अपने आप संतुलन को प्राप्त कर लेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तीन तीन नंबर में फंसते हैं, सेपरेट भी आ सकते हैं और इस क्वेश्चन के पूरे के साथ मिक्स भी आ सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को तैयार करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है बात?